बिल्कुल रिटेल में बर्तन मिलते हैं वहाँ आ गए, आपको यहाँ डोलू डोलू मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, चाय केतली मिल जाएगी, डोलू मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, थालियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। देखो हाँ देखो, आपको चम्मच ही चम्मच मिल जाएगी, ठीक है, करछी चम्मच, यहाँ थालियाँ मिल जाएंगी आपको बहुत सस्ते सस्ते रेटों पर। तो पता करते हैं थालियों के प्राइस क्या क्या है। भैया कहाँ से रेंज? एक किलो में ये साइज में बताओ ना, ये तो बड़े साइज हो गए, छोटे साइज में बता देते हैं। ये देखो, ये किलो में 13-20, ये 250 रुपये किलो है, 250 रुपये किलो है, की पड़ेगी ये 20 रुपये पड़ेगी भाई, इसका 32 रुपये का पड़ेगा, 32 रुपये का टिफिन आपको यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह का टिफिन है, इसे बड़े वाला ले लो। हाँ ये देखो, ये गिलास देख पता करते हैं किस प्राइस का, 20 रुपये का पड़ेगा ये, मात्र 16 किलो में 16, 20 रुपये, 20 रुपये का गिलास लगभग पड़ जाएगा, 35 रुपये का लोटा पड़ेगा छोटे वाला, और इससे बड़े वाला 40 रुपये का ना, उससे बड़ा 45। जो होटलों में थाली चलती है वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी इस तरह की, ठीक है, किस किस प्राइस की भैया, कहाँ से शुरू है? भाई आपको यहाँ पे कुकर ही मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत ही सस्ते प्राइस पे इस तरह के कुकर रहने वाले हैं, ठीक है, किस प्राइस की है? एक केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से जी, कितने रुपए किलो देते हैं अभी? ये भैया 240 रुपये किलो है। रोटी रखी जाती है ना इसके अंदर, ये इसमें गर्म रहती है रोटी ना, ये किस किस प्राइस के पड़ेंगे? छोटे वाला कहाँ कितने पड़ेगा? हम खाना वाना पैक करके ले जाते हैं, टिफिन इस तरह का भी ये भैया, ये किस प्राइस पड़ेगा? नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण वशिष्ठ, आज आ गया हूँ मेरे डिप्टीगंज सदर बाजार। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं भाई, ये डिप्टीगंज की मार्केट है, यहाँ आपको होलसेल और रिटेल दोनों ही बर्तन मिल जाएंगे। आज हम इस मार्केट में चलेंगे और देखेंगे भाई क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या प्राइस है, क्या क्या मिलता है इस मार्केट में, सब कुछ बताऊँगा अपने इस वीडियो पर। आप वीडियो बने रहना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपने भाई पर प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये मार्केट यहाँ से शुरू होती है, ये डिप्टीगंज देखा है देखो इस तरफ, तो भाई यहाँ से शुरू हो जाती है मार्केट, और आप आगे देखेंगे तो आगे आगे आपको बर्तनों की दुकान मिल जाएगी छोटी मोटी, ठीक है, पर हम ढूंढ रहे हैं सस्ते बढ़िया बर्तन, ठीक है, तो हम पीछे चलेंगे, आगे सारे होलसेलर बैठे हैं, तो हम रिटेल का पता करेंगे, रिटेल में क्या क्या भाव है। ये देखो चारों तरफ देखोगे आपको बर्तन मिलेंगे, ये देखो इस तरफ ऐसे लगाए बैठे रहते हैं पटरी में भी, पर अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट है, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से शुरू हो जाता है मार्केट, ये देखो इस तरफ, यानी कुछ भी, यानी रसोई की कोई भी आइटम है यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ चारों तरफ आपको बर्तन की, बर्तनों की आइटम में सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलो आगे चल के मैं आपको इनके रेट बताता हूँ। हाँ देखो, आपको चम्मच ही चम्मच मिल जाएगी, ठीक है, करछी चम्मच, ये भाई स्पेशली है ना, केवल चम्मच ही बेचते हैं, देखो हर तरह की चम्मच, देखो कितनी बड़ी चम्मच है ये देखो, ठीक है, इस तरह का आपको यहाँ मिल जाएगा। रेट पता करते हैं किस किस प्राइस की यहाँ पर आपको चम्मचें मिल जाएंगी। अंकल जी कहाँ से शुरू हो जाती हैं चम्मचें? चम्मच हमारे 50 रुपये दर्जन से शुरू है। 50 रुपये दर्जन, कौन सी वाली है अंकल जी? 50 वाली ये? हाँ। ये 50 रुपये दर्जन से शुरू हो जाती है, ठीक है, और इससे अच्छी क्वालिटी अंकल जी थोड़ी सी? 80 रुपये दर्जन है, और ये 120 रुपये दर्जन, इसमें डिजाइन आ जाता है थोड़ा बहुत ना, यानी वो क्वालिटी अलग हो जाती है, क्वालिटी अच्छा, ये थोड़ी भारी भी है। और अंकल जी ये कांटेदार वाली जो है 120 रुपये, कहाँ से शुरू आती है वैसे? 120 से शुरू है ये, हल्की क्वालिटी 50 रुपये, ये हल्की क्वालिटी 50 रुपये दर्जन से शुरू आती है भाई। और ये बड़े बड़े चम्मच भी मिल जाएंगे, चमचे से बोलते हैं अंकल, ये क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं इसको, करछी पलटा, ये पलटा कितने का दो अंकल जी? ये 60 रुपये, ये 60 रुपये का एक पीस, क्या बात है, अगर आप 60 रुपये का, ये 40-40 रुपये, ये 40-40 रुपये के भाई करछी पलटा ये जिसे बोलते हैं, ठीक है, 40-40 रुपये, आप अपने घर के यहाँ से लोगे तो आपको 100 रुपये से कम नहीं देंगे, पर यहाँ पर आपको सस्ते रेट में मिल जाएगी। अंकल जी ये किस प्राइस का पड़ेगा? 20 रुपये का, 20, ये भी पलटा होता ना, राइस जिसे चावल बनाए जाते हैं, ये 20 रुपये पड़ेगा, मात्र 20 रुपये का, ठीक है। और देखो इस तरह की आपको ये छन्नी अंकल जी, ये वाली 30-40-55, ये 30 रुपये, 40 रुपये, 55 रुपये। अंकल जी ये चाकू क्या प्राइस बनेंगे? 20 रुपये। अंकल जी बिल्कुल फाइनल प्राइस है, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है? बिल्कुल होल सेल रेट अंकल जी, बिल्कुल बता रहे हैं अंकल जी, ये 30 रुपये, इसको क्या बोलते हैं अंकल जी? ये सर्विस स्टोर। और अंकल जी ये जो है, ये चाय केतली वेतली उठाने का काम आता नहीं? हाँ जी। ये किस प्राइस पड़ेगा? 40 रुपये, यहाँ पर आपको इस तरह की आइटम मिल जाएंगी। अंकल जी ये ऑयल लगाने का ना, ये 50 रुपये का सेट है, 50 रुपये सेट है, दो पीस आते हैं, एक ऐसा एक ऐसा। और ये घिया घस 20 रुपये का। अंकल जी इसे लस्सी उसी बनाते हैं क्या, करते घोटते हैं? हाँ, बेसन बेसन बैठने के लिए। अच्छा अच्छा, ये कितने रुपये का अंकल जी? 40 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये का ये छोटे वाला भाई, ठीक है, यहाँ पे इस तरह आपको मिल जाएंगे। अगर बड़े बड़े घिया घस, अंकल जी बड़े वाला घिया घस क्या प्राइस पड़ेगा? 100 रुपये, 100 रुपये का। अंकल जी ये वाला घिया घस
ये 150 रुपये इस तरह के घिया कस मिल जाएंगे। और ये बेलन मिल जाएगा आपको स्टील का। अंकल ये बेलन स्टील का कितने का दोगे? 150। ये स्टील का भाई बेलन है, पहले मैंने लकड़े देखे थे, आज पहली बार मैं भी देख रहा हूँ स्टील का आपके साथ साथ। ये 150 रुपये का। तो अंकल ये लस्सी बनाने वाला 80 रुपये का। अंकल ये कूड़ा उठता ना, इसे कूड़ा उठाया जाता है, ये कितने का पड़ेगा? 120। ये 120 रुपये पड़ेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अंकल जी हमारे लगा देते हैं। अंकल ये चिमटा कितने का पड़ेगा? 50। चिमटा 50 रुपये का। और अंकल जी इसे क्या क्या बोलते हैं अंकल इसको? मिर्ची कटर। प्याज मिर्ची कटर बोलते हैं। कितने का पड़ेगा अंकल ये? 100 रुपये का। ये 100 रुपये पड़ेगा। अंकल जी की शॉप जब आप आओगे ये डिप्टीगंज के रास्ते में तो यहाँ पड़ेगा। अंकल जी देखो यहाँ बैठे हैं ऐसे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। गली में आ गए हम, जो मेन गली है ना जहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बर्तन मिलते हैं वहाँ आ गए। आपको यहाँ डोलू मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। चाय केतली मिल जाएगी, डोलू मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, थालियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। देखो तांबे का ये लोटा भी मिल जाएगा, रोटी रखने का ये भी मिल जाएगा। एक बार पता करते हैं प्राइस, क्या क्या प्राइस है इनका। तो भाई मैं आ गया भाई, यहाँ थालियाँ मिल जाएंगी आपको बहुत सस्ते सस्ते रेटों पे। तो पता करते हैं थालियों के प्राइस क्या क्या है। भैया कहाँ से रेंज शुरू जाती है थालियों की? कम से कम 19-20 रुपए के। 19-20 रुपए की। ये किलो के हिसाब से भी आप देते हैं ना? 300 रुपए किलो है, किलो के 17-20 है, आपकी 19-20 रुपए की। 19-20 रुपए की पड़ेगी ये किलो, 300 रुपए किलो के लगभग देंगे आपको, ठीक है। 17-20 आएंगे। इसके बाद जो आती है रेंज, इसके बाद ये देख लो 250 रुपये किलो है। ये 250 रुपये किलो, किलो में 10 पीस, किलो में 10 पीस, 25 रुपये की पड़ेगी किलो में। किलो में कितनी कितने पीस बताए आपने? 10 पीस। इसके बाद किलो में ये साइज में बताओ ना, ये तो बड़े साइज हो गए, छोटे साइज में बता देते हैं। ये देखो ये किलो में 13 पीस, ये 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो की पड़ेगी ये, 20 रुपये पड़ेगी भाई। इसके बाद जो है, इसके बाद ये है, ये किसके प्राइस का है? ये भी 250 रुपये किलो, किलो में 10, किलो में 10, 25 रुपये पड़ गए हैं 250 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। ये ले लो 260 रुपये किलो, किलो के 9 पीस, 9 पीस आएंगे, 25 रुपये की पड़ेगी, 25 रुपये पड़ेगी आपको लगभग ये, ठीक है। किलो के हिसाब से भी देते हैं, 260 रुपये किलो। उसके बाद ये देख लो, ये किलो में 14 पीस, ये किलो में 14, ये तो बाउल हो गया ना। हाँ जी, 280 रुपये किलो, 280 रुपये किलो। एक पीस लगभग कितने पड़ेगा? 25 रुपये का पड़ेगा, 25 रुपये पड़ेगा लगभग। और इसके बाद ये ले लो 280 रुपये किलो, किलो के 15 पीस, ये बड़ा बाउल हो गया। ये परात होती है, परात छोटी परात होगी। कितने की पड़ेगी भाई जी ये? आपकी पड़ेगी कितने की पड़ती है भाई ये? 15 रुपये की। 15 रुपये की, 16 रुपये की। अच्छा किलो के हिसाब से लेंगे तो 15-16 के आसपास पड़ेगी, ठीक है। हाँ ये किलो के हिसाब से ना ये, इसलिए। इसके बाद ये छोटे वाला, ये किलो के 18 पीस है, किलो के 18 पीस। लगभग एक पीस कितने पड़ेगा? आपका पड़ेगा 15 रुपये का, 15 रुपये का पीस पड़ेगा। और कितने रुपये किलो है? इसका 300 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। आपको ऐसी थालियाँ भी मिल जाएंगी यहाँ पर। ये किस प्राइस पड़ेंगे भाई जी? ये 260 रुपये किलो है, 260 रुपये किलो, 10 पीस है। हाँ यानी कि 26 रुपये की पड़ेगी लगभग। हाँ इसमें भाई अलग अलग आइसोलेट कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह की है। और इसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी थालियाँ भैया के पास। ये छोटी छोटी कटोरियाँ किस प्राइस पड़ेंगी? ये होटल में चलती है, देखो किलो है 350 रुपये किलो, किलो के 26 पीस है, ये आपकी पड़ेगी 15 रुपये की, 15 रुपये की आपको लगभग पड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और ये छोटे वाला, ये पड़ेगी एक किलो के 28 पीस है, 350 रुपये किलो, ये आपकी पड़ेगी 12.5 रुपये, 11 रुपये, 12.5 रुपये की आपको ये पड़ेगी, 11.5-12 रुपये के आसपास में पड़ जाएगी। अच्छा इसमें रायता रूता डालते हैं, ये किस वजह पड़ेगी? ये आपको तोल देंगे 300 रुपये किलो है, किलो के 10 पीस है, 30 रुपये के लगभग पड़ेगी ना, 30 रुपये किलो पड़ जाएगी आपको, ये 30 रुपये मिल जाएगी आपको। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये टिफिन, टिफिन ये किस प्राइस के पड़ते हैं भैया जी? ये तोल में है 310 रुपये किलो, किलो के 10 पीस, आपका 32 रुपये का पड़ेगा, 32 रुपये का टिफिन आपको यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह का टिफिन है, इससे बड़े वाला, इससे बड़ा लोगे, इससे बड़ा ये वाला 500 रुपये किलो में 6 पीस है, किलो में 6 पीस, ये 55-50 के बीच में पड़ेगा, 55-50 के बीच में आपको ये पीस पड़ जाएगा। और इसके बड़ा एक ये नया साइज आया है, हाँ ये 35 रुपये का पड़ेगा, ये 35 रुपये पड़ेगा। तोल क्या भाव है? ये 350 रुपये किलो है, 350 रुपये किलो है, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ बर्तन मिल जाएंगे। और ये गिलास किस रेट के बनेंगे? हाँ ये देखो ये गिलास पता करते हैं किस प्राइस का, 20 रुपये का पड़ेगा ये, मात्र 16 किलो में 16, 20 रुपये गिलास लगभग पड़ जाएगा, ठीक है, किलो में 16। इसके बाद देखते हैं इससे अच्छी क्वालिटी थोड़ी, इससे अच्छी क्वालिटी ये ले लो जी। ये कितने पड़ेगा भाई जी? आपको पड़ेगा 35 रुपये का, 35 रुपये गिलास पड़ेगा आपको। डिजाइन बन गया इसके अंदर, थोड़ा हैवी भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये अलग गिलास कितने पड़ेगा भाई जी? ये आपका पड़ेगा 40 रुपये का, ये 40 रुपये ऐसा भाई हार्ड बने हुए दिल, ठीक है, किलो में 10 है जी, ये किलो में 10 है। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या है,
इसके बाद ये बड़े वाला गिलास, ये भी इतने का ही पड़ेगा, ये भी लगभग इतने का पड़ेगा। तीनों रेट एक ही है। हाँ, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ। और ये जो लोटे हैं ये किस किस प्राइस पड़ेंगे? लोटे कम से कम ये पड़ेगा 40 रुपए। ये छोटे वाला कितने पड़ेगा लोटा? ये छोटे वाला कम से कम 35 रुपए। 35 रुपए का लोटा पड़ेगा छोटे वाला, और इससे बड़े वाला 40 रुपए का ना, उससे बड़ा 45 65 65, फिर उससे बड़ा भारी में आएगा 9 नंबर 10 नंबर। हाँ, 9 नंबर का पड़ेगा आपका 90 रुपए का, 90 रुपए 9 नंबर। वो 10 नंबर पड़ेगा आपका 100 रुपए का, 10 नंबर पड़ेगा 100 रुपए का ना। हाँ जी, यहाँ पे इस तरह के प्राइस मिलेंगे। डोलू डोलू क्या प्राइस पड़ेगा भाई जी? सबसे छोटा साइज 1.5 नंबर की पड़ेगी आपकी 110 रुपए की, किलो में 3 पीस। कितने किलो का आता है माल? ये 1.5 किलो, 1 किलो आता है पूरा, 1 लीटर आ जाएगा। कितना बताया उसका प्राइस आपने? 1 लीटर का 310 रुपए, 310 रुपए का आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जैसे बड़े बड़े डोलू हैं, अच्छा डोलू किलो के हिसाब से भी देते हैं आप? होलसेल में किलो के हिसाब से 310 रुपए किलो, 310 रुपए किलो डोलू है लगभग आप लें। ये बड़े वाला 4 नंबर कितने पड़ेगा ये डोलू? ये आपका पड़ेगा 196 रुपए, 196 रुपए का लगभग पड़ जाएगा आपको। ये बड़े बड़े डोलू हैं, ये किलो के हिसाब से आप आएंगे तो आपको सब चीज़ बताया जाएगा यहाँ पर, समझाया जाएगा, ठीक है? इस तरह यहाँ पर आपको प्राइस मिलेगा। भाई जी, दुकान का नाम क्या रहेगा आपकी? दुकान का नाम क्या रहेगा? आर के स्टील बाबू जी, आर के स्टील, डिप्टीगंज गोल चक्कर। एड्रेस कुछ क्या है? डिप्टीगंज गोल चक्कर है, डिप्टीगंज गोल चक्कर है भैया, ठीक है? आप आ सकते हैं यहाँ पर, आपको इस तरह की आइटमें मिल जाएंगी। ये जो होटलों में थाली चलती हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी इस तरह की, ठीक है? किस किस प्राइस की भैया? कहाँ से शुरू होती हैं ये? स्टार्टिंग है यहाँ से, यहाँ से। ये कितने की है? 260 रुपए किलो है, किलो के 10 पीस हैं। 260 रुपए किलो है, किलो के 10 पीस हैं। 40-42 का पड़ेगा, 40 रुपए 42 रुपए पड़ेगा। ये किलो में 5 है, ये भाई किलो में 5 है। ये कितने पड़ेगा भाई? ये 55 रुपए का पड़ेगा, ये 55 रुपए का पड़ेगा भाई, ठीक है? और इसके बाद? इसके बाद ये है, ये किलो में 4 है, 4। ये किलो में 4 है, ये कितने पड़ेगी? 265 रुपए की भाई ये पड़ेगी। थोड़ा पास में आके देखो, ये 65 रुपए की पड़ेगी भाई, ठीक है? ये देखो ये साइज है। और इसके बाद? इसके बाद छोटा साइज आएगा ये, ये 300 रुपए किलो है, किलो के 6 पीस है, किलो के 6 पीस है। ये कितने पड़ेंगे? ये आपकी पड़ेगी 55 रुपए की, 55 रुपए की। भाई ये आइसोलेट कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है? सब्जी वब्जी दो सब्जी डाल सकते हैं। और ये होटलों में चलती है ज्यादातर नहीं? हाँ, ये ले लो। ये कितने पड़ेगी भाई? 300 रुपए किलो है, किलो के 3 पीस है, किलो के 3 पीस है भाई, 300 ग्राम का 1 पीस, 300 ग्राम का 1 पीस है। और ये पराठे जो है जिसमें यानी कि आटा गूंदा जाता है, ये किस रेट की पड़ेंगी भैया? ये पड़ेगी आपको, ये देखो, ये किस प्राइस पड़ेगी? ये 250 रुपए किलो है, ये 250 रुपए किलो है। 1 पीस कितने पड़ेगा लगभग? ये 1 पीस पड़ेगा 60 रुपए का, 60 रुपए पड़ेगा। और ये बड़ी वाली जिसमें आटा गूंदा जाता है, ये 280 रुपए किलो है, ये 280 रुपए किलो, 1 पीस पड़ेगा 60 रुपए का 1 पीस, ये भी 60 रुपए का, इतना बड़ा पीस भाई, ठीक है? 60 रुपए पड़ेगा आपको, ठीक है? देख सकते हैं आप, और देखते हैं फिर उससे छोटा साइज है लाइट वेट में। हाँ, ये छोटा साइज दिखाते हैं। ये किस प्राइस पड़ेगा? ये 280 रुपए किलो है, किलो के 6 पीस है, 52 रुपए का पीस पड़ेगा, ये 52 रुपए का पीस पड़ेगा भाई, ठीक है? इस तरह आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है? और देखते हैं कि अब भाई आपको यहाँ पे कुकर ही मिल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही सस्ते प्राइस पे इस तरह कुकर रहने वाले हैं, ठीक है? और बहुत सी आइटम है भैया के पास, ये टिफिन का खाना रखने वाला डॉल हैं बड़े बड़े, ठीक है? भैया की शॉप का नाम ये है, आप देख सकते हैं। और इस तरह की आपको बाल्टियाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है? प्राइस पता करते हैं भैया, कुकर की रेंज कहाँ से शुरू होती है? 480 रुपये, सबसे छोटा जो कुकर आता है, ठीक है? वो 480 उसके ऊपर कौन सी वाला है वो छोटे वाला? ये भी। अच्छा, ये छोटा है यार, ये तो इतना बड़ा कुकर है, ये इतना बड़ा कुकर को छोटा बता रहे हैं। ये किस प्राइस का बताया आपने? 480 रुपये का, ठीक है? कौन सी? 3 लीटर का, LG का है, LG कंपनी का भाई, 2 साल वारंटी है। कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से क्या कर ठीक करते हैं या चेंज करते हैं? नहीं, ठीक होता है तो ठीक करेंगे। हाँ, ठीक करते हैं, चेंज भी हो जाता है ज़्यादा गड़बड़। इसके ऊपर वाली रेंज 4 लीटर का जो आता है, 4 का नहीं 5 का आता है। ये कितने लीटर का? अच्छा, 5 लीटर, 580 रुपये का 5 लीटर का, ठीक है? इससे बड़े वाला? इससे बड़ा फिर 7 का आएगा, 7 लीटर का। ये किस प्राइस का? साढ़े 800 रुपये का ये पड़ने वाला है भाई, ठीक है? भाई जो आप रेट बता रहे हैं इसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाता है या फिर बिल्कुल फाइनल प्राइस है? हो जाएगा भैया, तो कोई हाँ ऊपर नीचे हल्का फुल्का कर लेंगे। और भैया बाल्टियाँ भी बेच सकते हैं, बाल्टियाँ किस प्राइस की हैं? बाल्टियाँ केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से जी। कितने रुपये किलो देते हैं आप? ये भैया 240 रुपये किलो है, 240 रुपये किलो आपको यहाँ बाल्टियाँ मिल जाएंगी। जितना वेट उतना आप उस पे करेंगे, ठीक है? और ये बड़ी बड़ी बाल्टियाँ देखें, ठीक है? लगभग इतनी जैसी बाल्टी कितने किलो की होगी? लगभग ये करीब 1 किलो 300 ग्राम बैठेगी, 1 किलो 300, यानी लगभग 300 रुपये के आसपास ये बाल्टी पड़ेगी, है ना? और ये डोल किस किस दिन से? छोटी सी डोल जो है जिसमें चाय चुई सप्लाई कर देते हैं हमारे घर के, 90 रुपये की, ठीक है? ये भी तोल के हिसाब से आती है वैसे तो, है ना? हाँ, तोल के हिसाब से आती है। आप बाकी एक आधा पीस ऐसे तो 90 रुपये का पड़ेगा, ठीक है? और ये सबसे बड़ा डोल जो है ये कितने पड़ेगा? ये वाला? हाँ, ये आपको 280 रुपये का आपको यहाँ ये डोल पड़ने वाला है।
और देखते हैं ये खाना, एक रोटी रखी जाती है ना इसके अंदर, ये इसमें गर्म रहती है रोटी ना, ये किस किस प्राइस के पड़ेंगे? छोटे वाला कहाँ कितने पड़ेगा? छोटा वाला आपको पड़ेगा 200 रुपये। 200 रुपये का भाई ये पड़ेगा, इससे बड़े वाला? इससे बड़ा फिर ये पड़ेगा आपको 260 रुपये का। 260 रुपये का, और ये सबसे बड़ा? ये 350 रुपये का। ये 350 रुपये भाई ये प्राइस है यहाँ पे जो ने बताया। अदर क्वालिटी भी मिलेगी। अच्छा, इससे अच्छी क्वालिटी है कि ये इससे अच्छी क्वालिटी भी? अच्छी क्वालिटी, इससे अच्छी क्वालिटी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और जैसे हम खाना वाना पैक करके ले जाते हैं टिफिन इस तरह का भी, ये भैया ये किस प्राइस से पड़ेगा? ये भी आपको 450 रुपये का पड़ेगा। 450 रुपये का आपको ये टिफिन भी क्वालिटी मिलेगी। हाँ, अंदर देखो क्वालिटी बहुत सारी है, छोटे से लेकर बड़ा तक। अच्छा, आपको मैं एक और दिखाता हूँ, यहाँ आपको ये पानी वाले ये जग मिल जाएंगे ऐसे। भैया ये कॉपर में भी तो आता ना ऐसा, एक कॉपर में भी तो आता ना, ये कैसा ऐसा? ये कितने का है नॉर्मल? ये नॉर्मल 160 रुपये। ये 160 रुपये, इसमें कॉपर कितने का आएगा भैया जी? कॉपर करीब 380 रुपये का आसपास। 380, वो पूरा कॉपर का होगा अंदर बाहर दोनों से? नहीं, अंदर 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 अंदर। मान लो पूरा कॉपर का हो, वो पूरा कॉपर भैया वो रखते नहीं। अच्छा, अंदर का कॉपर का जो आता है वो है आपके पास अंदर का जो कॉपर वाला? ठीक है, फिलहाल ख़त्म है भैया के पास, पर ये प्राइस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ये मग्गे जो हैं पानी के, ये किस प्राइस के आएंगे? आपका 140 रुपये के लगभग आपको यहाँ मग्गे मिल जाएंगे। तो भी विदाउट कपड़ा वाला, ठीक है। ये इस तरह की आइटम है भाई, मेरा दिखाने का मतलब है कि आपको यहाँ बर्तने आपको इस तरह मिल जाएंगी। चलो तो भैया, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।